गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ की सेकेंड डे की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों आपको पहले पढ़ा दिया गया है, मैं इसमें पहले पढ़ाया था कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। फिर हमने कॉर्डिनल नंबर के बारे में आपको बताया था और आपको ये होमवर्क दिया गया था जिसे सारे बच्चों ने किया होगा और जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है वो इसे पूरा करें। तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। देयर आर सेवन डेज इन अ वीक। इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, राइट द पोजिशन ऑफ। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में आप संडे मंडे लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो मंडे आपका फर्स्ट डे है वीक का, ट्यूसडे सेकेंड डे है, वेनेसडे थर्ड डे है, इसी तरह से सब लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि थर्सडे सप्ताह का कौन सा दिन होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले काउंट करेंगे, देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। थर्सडे चौथे नंबर पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको यहाँ पर फोर्थ लिखना होगा। इसी तरह से आपको ट्यूसडे का, सैटरडे का यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों, अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। बच्चों आपको अपनी बुक में पेंसिल से ही यहाँ पे लिखा है 30, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 32। यहाँ पे 33 है, फिर यहाँ पर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 51 है, तो आपको इसके आगे के नंबर्स लिखने होंगे, इसके आगे की काउंटिंग लिखनी होगी। 51, 52, 53, 54, इस तरह से यहाँ पे 60 तक है, आपको ये लिखना है। फिर यहाँ पर आप देखिए, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो आपको इसमें घटते हुए क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 9 लिखा हुआ देख रहे हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, फिर आप यहाँ देखिए 75, 74, 73, 72, 71। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा 70। फिर उसके बाद 69, 68, 67, 66। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आप यहाँ देखिए, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। तो हमें यहाँ पर लिखना है इससे पहले आने वाली संख्या और इसके बाद आने वाली संख्या। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 के पहले आता है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। और फिर 8 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 9, तो यहाँ लिखा है 38, तो 38 से पहले क्या आता है, 37। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा, 30 के पहले आता है 29, 30 के बाद 31, 64 है, 64 के पहले आएगा होता है 63, फिर 64, उसके बाद 65। इस तरह से आप सभी को यहाँ पर लिखना है। फिर आप यहाँ देखिए, व्हाट कम्स इन बिटवीन, मतलब इन संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो 33 और 35 के बीच में आता है 34। तो अगर आपको इस तरह नहीं याद हो रहा है तो सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए और उसमें काउंटिंग लिखिए, उसके बाद आप उस लाइन में जाइए। जैसे यहाँ 33 है, तो आप 31 की लाइन में जाइए और देखिए 33 के बाद कौन सी संख्या आती है, फिर आप यहाँ पर लिखिए। ऐसे ही 65 के बाद और 67 के पहले क्या आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 66। इस तरह से आप सभी बच्चों को ये कंप्लीट करना है। जैसे
थर्सडे सप्ताह का चौथा दिन होता है, मींस फोर्थ डे। तो ट्यूसडे आपको लिखना होगा और सैटरडे आपको लिखना होगा। यहाँ पर फिल इन द मिसिंग नंबर्स, आपको यहाँ पर जो नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं आपको वो नंबर्स आप यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि उल्टी गिनती बैक काउंटिंग आप सबको बताई गई है, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। 10 से 1 तक, 75 से आप बैक काउंटिंग लिखेंगे और फिर यहाँ आएगी 70, 70, तो इसी तरह से 66 तक आपको यहाँ पर लिखना होगा। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है। तो इस नंबर के पहले जो आता है वो आपको यहाँ लिखना है और इस नंबर के बाद में जो आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सारे बच्चे एक कॉपी लेंगे और सभी बच्चे इसे एक कॉपी में बनाएंगे। इसे आपको कॉपी में सर्कल बनाना है और फिर आपको इसी तरह से देखकर उस कॉपी में करना है। तो बच्चों, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, इसी तरह से आप कॉपी में लिखिए, यही आपका होमवर्क है। और सारे बच्चे इसे एक बार फिर से अच्छे से दोहरा लेंगे, इसे रिपीट करेंगे और हम फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और आज के लिए थैंक यू।